वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग इन स्क्रैच की, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राइंग के साथ हम अपने स्क्रैच के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने स्प्राइट में, अपने स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम किस तरीके से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारा आज का पहला टास्क जो है वो है स्क्वेयर शेप बनाना। तो स्क्वेयर शेप के लिए हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे पास पेन का टैब। पेन के टैब में हमारे पास ये जो दो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, पेन अप और पेन डाउन के, ये हमारे पास एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कोई भी ड्राइंग बनाते हुए निभाते हैं। सो पेन अप का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप नॉर्मली आप लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं, कि पेन अप का मतलब है जब आप लिख रहे हैं और आपने पेन अप कहा, दैट मीन्स कि वो पेन को उस बोर्ड से या उस पेपर से उठा लेगा। और पेन डाउन का मतलब ये है कि वो उस पेन को दोबारा उस बोर्ड पे या उस पेपर पे रख देगा। स्क्रैच में जो स्प्राइट है वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। जब आप पेन अप कहते हैं तो उसका पेन उस वाइट स्क्रीन से उठ जाता है, और जब आप पेन डाउन कहते हैं तो उसका पेन उस वाइट स्क्रीन पे आ जाता है। तो हमारे लिए पेन डाउन का जो ब्लॉक है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है ड्राइंग को करने के लिए। अगर हम पेन डाउन को इस्तेमाल करें और पेन डाउन के थ्रू हम कहें कि कोई भी शेप बनाओ, तो शेप बनाने के लिए जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि हम एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे, तो आएँ अब एक स्क्वायर की शेप बना के देखते हैं कि वो किस तरीके से बनेगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है वो है पेन डाउन का ब्लॉक। पेन डाउन के ब्लॉक के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो शेप होती है वो बेसिकली फोर कॉर्नर्स की होती है, उसमें फोर कॉर्नर्स होते हैं, तो फोर कॉर्नर्स का मतलब ये है कि हमारे पास कैट जो है वो मूव करे फोर टाइम्स, राइट? फोर टाइम्स मूव करे और टर्न करे और फिर मूव करे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो ये जब तक करती रहे जब तक एक स्क्वायर शेप नहीं बन जाती। सो स्क्वायर शेप बनाने के लिए लाइट से मैंने कहा कि मूव करो 20 स्टेप्स, टर्न करो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर मूव करो 20 स्टेप्स, फिर टर्न करो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और इस तरीके से हम 4 दफ़ा सेम प्रोग्राम को लगा देंगे ताकि हमारे वो 4 मूवमेंट्स को परफॉर्म करें। सो हम एक एक करके इन मूवमेंट्स को लगा के देखेंगे एक्चुअली कि एक मूवमेंट लगाने पे क्या, और एक ब्लॉक के चलने पे क्या हो रहा है, फिर दूसरे ब्लॉक के चलने पे क्या हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम इस तरीके से पूरा प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे, एक्चुअली प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। सो जैसे कि लेट्स से कि मैं ये नीचे से पार्ट हटा दूं और मैं पेन डाउन के साथ सिर्फ मूव 20 रहने दूं, तो लेट्स से कि मूव 20 वाला प्रोग्राम जब चलेगा तो एक्चुअली क्या आउटपुट आएगा। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, तो जब आप इस कैट को हटा कर देखेंगे तो देखें इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? ये एक ब्लू लाइन ड्रॉ हुई हुई है यहाँ पे। तो ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ हुई हुई है, अब इस तरीके से ड्राइंग करते करते ये एक पूरी शेप बना सकता है। सो अगर मैं इसको टर्न 90 लगा दूँ और फिर ड्रॉ करूँ, और लेट से इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करने पे आप देखें कि इसने पहले लाइन ड्रॉ करी और फिर अपने आप को 90 डिग्री टर्न कर लिया। सो जैसा कि आप जानते हैं कि कैट हमेशा उतना ही प्रोग्राम फॉलो करती है जितना कि हम उससे प्रोग्राम में लिखवाते हैं। सो इस काम को करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, हम जब ये सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट कर देंगे और इसका प्रोग्राम देखने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम वर्क कर रहा है, हम हर टर्न के बाद 1 सेकंड का वेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम जो कि स्क्वायर शेप बनाएगा। सो लेट्स से कि ये शेप बनाता है नहीं बनाता। और हमारे पास जो एक और ब्लॉक है जिसका नाम है क्लियर ब्लॉक, तो ये जो क्लियर ब्लॉक है जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पूरी वाइप